पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कोरिया जिले के चिरमिरी नगर के गोदरी पारा नामक स्थान में नागेश्वर काली मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र का समापन हुआ, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी अपनी मनोकामना और पूजा पाठ के लिए एकत्रित होकर हजारों की संख्या में विसर्जन करने के लिए विराट काली जी की प्रतिमा के साथ समापन रैली निकाली, जहां भक्तों ने अपनी मनोकामना और अपनी परेशानियों के लिए नागेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में बकरों की भी बलि दी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ एकत्रित हुए। बताया जाता है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चैत्र नवरात्र में 9 दिन चलने वाले इस चैत्राम नवमी में पूजा पाठ और जवारा को 9 दिन तक बढ़ने दिया जाता है और आखिरी दिन इसका विसर्जन भारी संख्या में किया जाता है। कोरिया जिले के इस मंदिर में जो पूजा पाठ हो रही है उसे देखने के लिए और अपनी मनोकामना पाने के लिए भारी संख्या में लोगों की संख्या आती है, जहाँ पर भक्तगण अपनी मनोकामना पाने के लिए बलि भी देते हैं। मनोकामना पाने के लिए यहाँ इंतजार करते हैं माँ की इतनी बड़ी प्रतिमा जो देखने के काबिल है। हमने देखा कि इस विराट काली माँ की प्रतिमा को देखने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए लोग किस तरह यहाँ आए हुए हैं। इस बारे में हमने कुछ लोगों से बात भी की तो उन्होंने अपनी राय भी दी। पिछले कई वर्षों से यहाँ ये लोग आ रहे हैं और बलि भी देते हैं ताकि सभी परेशानियां और मुसीबतें दूर हो जाएं, जिसे देखते हुए लोगों की श्रद्धा और मंदिर की ओर बढ़ती जा रही है। काली जी का स्वरूप है यहाँ, आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वहाँ पूरा होता है। दो साल हो गए लगातार, मेरी मनोकामना है, मैं अपने स्वस्थ खुशहाल जीवन के लिए मनोकामना करता हूँ अपने पूरे परिवार की। यहाँ हजारों लोगों की मदद पूरी हो चुकी है, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ, हर चीज की व्यवस्था होती है अच्छी से, हर साल भंडारा होता है, प्रसाद सबको मिलता है, सबको बुलाया जाता है यहाँ। अलका प्रजापति जमारा रखी हूँ 9 दिन में। हाँ हाँ, सब पैदल और खाली पैर जाना है सबको, बहुत दूर है। हाँ।